तो अब अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म। इसका पर्पज़ क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि अजेक्स हम कब यूज़ में लेते हैं, जब आपको असिंक्रोनस कॉल करनी हो, यानी कि अपने पेज का जो लोडिंग टाइम है वो आपको रिड्यूस करना हो, ठीक है ना। तो असिंक्रोनस कॉल्स अपन तब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट वेब पेज को रिफ्रेश ना करके उसके पार्ट को हम अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं, यानी कि आप इसे बोल सकते हो इन शॉर्ट पार्शियल पेज रिफ्रेशिंग, ठीक है। पार्शियल पेज रिफ्रेशिंग अगर आपको करनी हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो पार्शियल पेज अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म क्या है? जैसे आपका HTML डॉट बिगिन फॉर्म होता है उसी तरीके से अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म होता है, लेकिन ये आपको कुछ मेथड्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और उन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजीली आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो पार्शियल पेज रिफ्रेशिंग ही है ओनली। ओके, अजेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक पैकेज है, वो आपको पैकेज इंक्लूड कराना पड़ता है, जेक्वेरी डॉट अजेक्स डॉट अनबूटस्ट्रैप, ठीक है। ये पहले रेफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर ये सब चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ सबसे पहले एक एक्शन बनाते हैं, पब्लिक कैप्स लॉक ऑन है, एक्शन रिजल्ट अजेक्स एग्जाम्पल, ठीक है, रिटर्न व्यू। तो अजेक्स एग्जाम्पल मेरा एक फॉर्म जनरेट करेगा जिस फॉर्म को मैं आप इम्प्लीमेंट करूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्म को जनरेट करने के लिए अब मैं मॉडल क्लास का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉडल क्लास ऐड कीजिए आप, और इसका नाम आपने रख दिया लाइक अजेक्स मॉडल, ठीक है। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ नहीं लूँगा टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज स्ट्रिंग एंड नेम, ये आपने नेम लिख दिया, देन प्रॉप स्ट्रिंग, और यहाँ आपने लिख दिया सिटी, प्रॉप स्ट्रिंग, और यहाँ आपने लिख दिया एड्रेस। तो ये कुछ वैल्यूज़ अजेक्स मॉडल के अंदर आपने पास कर दी, ये आपका मॉडल क्लास यहाँ जनरेट हो गई। अगर आप इसमें कुछ वैलिडेशंस भी लगाना चाहते हो तो डेटा एनोटेशन का यूज़ करके अपन ये वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया, तो ये एक पैकेज को इंक्लूड कराएगा। कंट्रोल डॉट दबाएंगे आप तो यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, तो ये तीनों चीज़ों के लिए आपको अप्लाई करनी है। तो आप कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये इस तरीके से आपने अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद अब आपका ये मॉडल तैयार हो गया, राइट। अब मॉडल तैयार होने के बाद अब आपको फॉर्म जनरेट करना है, ठीक है, और उसके अंदर आपको अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म का ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो एक फॉर्म बनाते हैं, एड व्यू, एम्प्टी ले लेता हूँ मैं, एम्प्टी इसलिए लेता हूँ मैं जैसे आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए मॉडल का रेफरेंस हम हमेशा मॉडल कीवर्ड का यूज़ करके डिफाइन करते हैं। अब आप क्या करेंगे, HTML हेल्पर EXE और यहाँ मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर जिस मॉडल का यूज़ करना चाहते हैं आप उस मॉडल का रेफरेंस यहाँ पास कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड थिंग है वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जेक्वेरी में अनबूटस्ट्रैप का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो आप उसे न्यूगेट का यूज़ करके आप इंक्लूड करा लीजिए। तो मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाके और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेक्वेरी, आप देख सकते हो जेक्वेरी डॉट अनबूटस्ट्रैप डॉट अजेक्स, ये पैकेज आपको इंक्लूड जरूर कराना है, ठीक है। ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, तो ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है आपका कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड होता है। आप इंस्टॉल कर लीजिए जो भी पैकेज आपको लेटेस्ट पैकेज यहाँ मिल रहा है, स्टेबल वर्जन, आप ओके कीजिए, आई एक्सेप्ट कीजिए। तो आप देखें ये रेफरेंसेज आपके यहाँ ऐड हो चुके हैं अनबूटस्ट्रैप के, ठीक है। तो ये रेफरेंस ऐड होने के बाद अब आपको क्या है कि इन रेफरेंसेज का यूज़ कहाँ करना होगा, अपने हेड के अंदर, ठीक है। तो अब आप इसे यहाँ यूज़ में लेंगे तो आपको रेफरेंसेज दोनों के देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे आपने अभी लिखा था रेफरेंस, मैं पूरा यहाँ दोबारा से इस तरीके से नहीं लिखना चाहता, तो ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये पहला रेफरेंस आ गया, देन सेकंड रेफरेंस और लेना आपको जैसे मैंने बताया। तो जेक्वेरी का पहले रेफरेंस ले लें और फिर अनबूटस्ट्रैप का यूज़ कर लें आप। तो रीनेम, कॉपी, और यहाँ पर आप इसे चेंज कर दीजिए बस। तो ये दोनों का रेफरेंस लेना यहाँ पर कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या डिव यूज़ में लेना। डिव क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर पार्ट को ही रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ नेम दे देता हूँ डिव एजेक्स, ठीक है।
तो ये डिव ले लिया, तो इसी डिव के अंदर मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा। तो अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग, यूजिंग के बाद अब आप यहां पर यूज में लेंगे अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। तो अजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म आपने यहां लिखा, अब इसके अंदर भी कुछ आपके जैसे आप देख रहे हो अजेक्स ऑप्शन यहां आ रहे हैं। अब ये अजेक्स ऑप्शन होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें और अदर चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं एक्शन नेम डिफाइन कर देता हूँ अजेक्स, ठीक है, फॉर्म एग्जांपल। मानो ये मेरा एक्शन कॉल होगा, सबसे पहला एक्शन मेरा ये कॉल होगा। सेकंड थिंग, मुझे किस कंट्रोलर में लेना है ये, तो कंट्रोलर मेरा जैसे आप जानते हो कि होम कंट्रोलर है, तो ये होम कंट्रोलर हो जाएगा। फिर इसके बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अजेक्स ऑप्शन के ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। ये थर्ड आप देख सकते हो, तो यहाँ अजेक्स ऑप्शन आ रहे हैं। अजेक्स ऑप्शंस करते क्या हैं एक्चुअल में, जैसे आप जानते हो कि अजेक्स रिक्वेस्ट आपकी इम्प्लीमेंट जब होती है, अगर मैं बात करूँ जेक्वेरी के अंदर कोई अजेक्स इन्फॉर्मेशन या अजेक्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन सेट करते हो, तो कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हो आप, सॉरी डॉलर डॉट अजेक्स, इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ जेक्वेरी। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भाई कैसे आपको अलाउ करनी है नहीं करनी, ठीक है, आपको क्या डेटा भेजना है क्या डेटा नहीं भेजना। इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक सक्सेस इवेंट होता है, फेलियर इवेंट होता है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे इवेंट्स हैं आपके, राइट। इन इवेंट्स पर आप कोई कोड कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो क्या करना है, रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है तो क्या करना है, जो डेटा आ रहा है वहाँ से उस डेटा को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना है, अजेक्स लोडिंग आपको अगर दिखानी है तो क्या करना है, ठीक है। अजेक्स लोडिंग करने से पहले या डेटा सबमिट करने से पहले अगर आपको कोई कन्फर्मेशन यूज़र से मांगना है तो क्या करना है। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डॉलर डॉट अजेक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। बट इन केस ऑफ MVC यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो अपन करते क्या है, इसे आप इनिशलाइज करोगे, तो आप देखें ये कुछ जो मैं आपको बता रहा था वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आती जा रही हैं, ठीक है। जैसे अलाउ कैसे आ रहा है, कन्फर्म आता है कन्फर्मेशन बॉक्स मांगने के लिए कि आर यू श्योर कि आप इसे पोस्ट करना चाहते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट आपकी जब बिगिन होगी तो ऑन बिगिन कॉल होगा, ऑन कंप्लीट होगा जब रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी जब आपकी रिक्वेस्ट ऑन फेलियर कॉल होगा, ऑन सक्सेस होगा जब आपका यहाँ सक्सेस हो जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द अपडेट टारगेट आईडी। अपडेट टारगेट आईडी का मतलब क्या है, आप किस पर्टिकुलर सेक्शन को अपडेट करना चाहते हो। तो डिवजेक्स जो है मेरा वही मेरा अपडेट टारगेट आईडी है, ठीक है ना। इसी पेज को मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ, इसी के डेटा को मुझे पोस्ट करना है सर्वर पे, ठीक है, यूजिंग अजेक्स। तो ये मैं यहाँ अपडेट टारगेट आईडी के अंदर असाइन कर दूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप कौन सा मेथड यूज में लेना चाह रहे हो, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू इंक्लूड ओवर देयर। एंड सेकंड थिंग इज द पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ये कन्फर्म है आपकी, ये आपको ऐड करनी है। एक कन्फर्म है कि कन्फर्म आपको ऐड करना है, तो आप कन्फर्म में स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो आर यू श्योर ये आपने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, राइट। तो ये आपका अजेक्स ऑप्शंस यहाँ जनरेट हो गए, फाइन। अब मुझे करना क्या है, अब हालांकि और भी होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको ऑन सक्सेस होने पर क्या करना है, ऑन पोस्ट इस पर क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन अपन देखेंगे इनको। अच्छा, एक जो सिक्योरिटी के अंदर यूज़ में आती है चीज़, एक हेल्पर होता है जिसे अपन बोलते हैं एंटी फॉर्जरी टोकन, ठीक है ना। तो ये अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि इसका पर्पज़ क्या होता है, बट अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब मुझे एक टेबल लेनी है, टेबल के अंदर मैं TR लूँगा, TR के अंदर TD लूँगा, और मुझे अब यहाँ पर जैसे एक नेम ले लिया, और नेम के अंदर मुझे यहाँ पर नेम असाइन करना है। तो नेम का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आप वैल्यू को यहाँ गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक स्पेशल HTML हेल्पर मैं यहाँ यूज़ में लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ HTML.editor for। हालांकि ये मैं आपको पूरा एक डिटेल में बताऊँगा, अभी ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्स डॉट और आपने यहाँ से नेम को उठा लिया, तो मॉडल प्रॉपर्टी को उठा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये नेम के लिए हो जाएगा, इसी तरीके से सिटी और इसी तरीके से एड्रेस, ये आपने लिखा सिटी और यहां आपने लिखा एड्रेस, ठीक है। तो एक्स डॉट सिटी आपने असाइन कर दिया, देन एक्स डॉट एड्रेस असाइन कर दिया, राइट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपने यहां डिक्लेयर कर दी। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दो TD आप यहां ले लीजिए, एक TD में कुछ भी नहीं पास करता हूं मैं, और दूसरे TD के अंदर सबमिट बटन का कोड असाइन कर देता हूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ नेम लिख दिया VTN1, और इधर लिख दिया मैंने सेव डेटा, राइट।
तो अब देखिए, पहले तो एक एक्शन बना दीजिए आप, तो यहाँ एक्शन बना दीजिए, तो ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, दैट्स व्हाई आई विल ऐड HTTP पोस्ट, और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसके अंदर आपने जो मेथड वहाँ डिक्लेयर किया है वो मेथड, ठीक है, ये मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया, और इसके बाद आपको जो वैल्यूज़ वहाँ से गेट करनी है, ठीक है, वो वैल्यू भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि भैया वो वैल्यू मेरी किस तरीके से यहाँ असाइन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी असाइन होंगी दैट इज़ अजेक्स मॉडल वैल्यूज़, तो अजेक्स मॉडल आपने रेफरेंस पास करना है, तो कंट्रोल डॉट दबा के आप ये रेफरेंस ऐड कर दीजिए और OVJ, तो ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ ऐड हो जाएंगी। हालांकि मैंने कुछ डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं करा है, तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा डेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी एक सिंपल सा अपन यहाँ कोड कर रहे हैं कि अजेक्स बिगिन फॉर्म काम कैसे करता है, वो आप कोड जो करना चाहते हो डेटाबेस से रिलेटेड, तो डेटा कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना के और जो अपन करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार मैं इसे इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ आपको। पहले तो अजेक्स EX ये रन कराइए आप, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो कोड होता है जेक्वेरी का वो ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, आपको खुद को कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, राइट। तो यहाँ देखिए, मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ असाइन किया योगेश, सिटी जयपुर, ये एड्रेस, सेव डेटा। तो देखिए, सबसे पहले मांग रहा है आर यू श्योर, तो ये आर यू श्योर कहाँ से आ गया, ये मैंने आपको बताया था कि जो कन्फर्म होता है, ठीक है, ये कन्फर्म होता है, ये कन्फर्म में जो वैल्यू आपने असाइन की है ये उस वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग लेता है और यहाँ आपके सामने शो करता है, ठीक है। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये डेटा आपका पोस्ट नहीं होगा, आप देखें कहीं पर भी डेटा आपका ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इधर आप देखेंगे तो ये क्लिक कुछ भी नहीं होगा इसमें, ओके भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा ना, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो पोस्ट तो हो रही है लेकिन आपको रिक्वेस्ट में यहाँ दिख नहीं रही। अगर आप यहाँ नेटवर्क पे भी देखोगे तो नेटवर्क पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, सेव डेटा के ऊपर क्लिक करा आपने, ओके क्लिक करा, तो ये रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पोस्ट हो चुकी है, ठीक है, और इसमें कुछ डेटा भी आपका यहाँ से पास हो रहा है, हालांकि मैंने उसे हैंडल नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा, ओके। अब मुझे यहाँ करना क्या है कि जो डेटा आपने पोस्ट किया है उस डेटा को ही मुझे यहाँ शो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक TR यहाँ और बना देता हूँ, उसके अंदर TD, एक TD ये हो गया, इसमें यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कॉल स्पान इक्वल टू 2, और इसमें क्या करते हैं अपन कि जो वैल्यूज़ आप वहाँ से पास कर रहे हो उन वैल्यूज़ को यहाँ मुझे शो कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बैग डेटा ये आपने यहाँ प्रिंट करा दिया, ओके। तो ये व्यू बैग डेटा कहाँ से आएगा, मैं इसे इनिशलाइज यहाँ करूँगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ, ओके, डिबगिंग स्टॉप करनी पड़ेगी मुझे, व्यू बैग डॉट डेटा, इसे इनिशलाइज करूँगा मैं ovj डॉट नेम प्लस ovj डॉट सिटी प्लस ovj डॉट और एड्रेस, ये मैंने इसे असाइन कर दिया, तो व्यू बैग में वैल्यू असाइन हो जाएगी, रिटर्न व्यू होगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप इसे वापस से रन कराइए, देन यू कैन सी जो वैल्यूज़ आप यहाँ देंगे वो वैल्यूज़ आपको अवेलेबल वहाँ हो जाएंगी। तो अजेक्स एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ मैंने वैल्यू असाइन की, सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो मुझे अभी वैल्यूज़ यहाँ नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि व्यू बैग डॉट डेटा एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन फिर भी वैल्यूज नहीं ले रहा है ये। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो वैल्यूज आप वहां से असाइन कर रहे हो वो वैल्यूज यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, राइट, ये इसी वजह से होगा। अब एक बार इसे डीबगिंग करके देख लेते हैं अपन, लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। अजेक्स एग्जाम्पल वैल्यूज असाइंड, सेव डेटा, ओके, ये इधर चला गया, ओबीजे पे जाइए, तो आप देखें यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही हैं, एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रहा है, नेम आ रहा है, ओके, F11 डीबग किया, व्यू बैक डेटा के अंदर वैल्यू भी असाइन हो गई, आप देख सकते हो वैल्यू आपके शो कर रहा है लेकिन ये व्यू पर नहीं जा रहा है, तो ओके मे बी ये जो इशू हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने इस
एग्जाम्पल में यहाँ मैं पार्शियल व्यू का ले लेता हूँ यूज़, और इसके अंदर अजेक्स ई एक्स को ही पास कर देता हूँ एज ए स्ट्रिंग, राइट। पार्शियल व्यू होंगी, पार्शियल पेज रिफ्रेश हो रहा है इसलिए मैं इसे इस तरीके से असाइन करूँगा। लेट मी रिमूव दैट। अब दोबारा से एक बार रन कराते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी, आर यू श्योर? तो आप देखें ये वैल्यूज़ आपको यहाँ मिल गई, ठीक है, योगेश शर्मा, और जो भी आपने वैल्यू असाइन की थी, ठीक है, योगेश शर्मा आपका नेम था, बाकी आपका ये था और ये एड्रेस था। तो आप देखें कहीं पर भी आपका पेज दोबारा से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दीजिए, डेटा आपका सर्वर पर भी पोस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको आउटपुट भी मिलता है। तो ये इस तरीके से आप अपनी Ajax.BeginForm का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके क्लियर हो गया होगा।